Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. Student, today we are going to revise chapter number 3 and this is lecture number 1. So today we are going to revise ratio, proportion and variation. First of all, what is ratio? The relationship between two quantities of same kind is called ratio. A relationship between two quantities of the same kind is called ratio. If we have two quantities like A and B, so we can write it as A ratio B. दो same quantities को के comparison को compare करने को ratio कहते हैं. इसका sign होता है, this is the sign of ratio. और ratio को हम A over B भी लिख सकते हैं. A upon B, A ratio B भी इसको हम लिख सकते हैं. लेकिन ratio में quantities का same होना ज़रूरी है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मैथ्स को कंपेयर करें तो दोनों तरफ हम मैथ्स को कंपेयर करेंगे. अगर हम रुपीज़ में कंपेयर करें तो दोनों क्वान्टिटीज़ रुपीज़ में होना ज़रूरी है. सो क्वान्टिटीज़ का सेम होना रेशो के लिए ज़रूरी है. फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास एग्जाम्पल है रुपीज़ 5 एंड रुपीज़ 10. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई हैव रुपीज़ 5 एंड माई फ्रेंड हैव रुपीज़ 10. सो इन दोनों में रेशो क्या होगी? 1:2. मैं ये भी कह सकती हूँ कि मेरे पास अपने फ्रेंड से आधे पैसे हैं, क्योंकि मेरे पास 5 रुपीज़ हैं, उनके पास 10 हैं. ये भी कह सकते हैं कि मेरे फ्रेंड के पास मुझसे डबल रुपीज़ हैं. सो दिस इज कॉल्ड द रेशियो. कंपैरिजन ऑफ टू सेम क्वांटिटीज इज कॉल्ड रेशियो. और वी कैन आल्सो राइट इट एज 1/b, 1/2, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं. सो दिस इज द रेशियो. नाउ सेकेंड वन इज प्रोपोर्शन. प्रोपोर्शन क्या होता है कि जब हम दो रेशियोज को आपस में कंपेयर करते हैं, सो दैट इज कॉल्ड प्रोपोर्शन. अगर हम दो रेशियोज को आपस में कंपेयर कर रहे हैं तो वो रेशियो कहलाती है. फॉर द कंपैरिजन ऑफ टू रेशियोज और इक्विवेलेंस ऑफ टू रेशियोज इज कॉल्ड प्रोपोर्शन. अगर हम ये शो कर रहे हैं कि दो रेशियोज आपस में इक्वल हैं, सो हम ये कह सकते हैं कि ये प्रोपोर्शन, दोनों रेशियोज प्रोपोर्शन में हैं. सो फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास फर्स्ट रेशियो है ए रेशियो बी एंड सेकेंड है सी रेशियो बी आर इक्वल. देन वी कैन राइट इट एज ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो डी. ए रेशियो बी इज इक्वल्स टू सी रेशियो डी. और हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए ओवर बी इज इक्वल्स टू सी ओवर डी. हम दो रेशियोज को आपस में कंपेयर कर सकते हैं. दो रेशियो के कंपेरिजन को प्रोपोर्शन कहते हैं. और इसका साइन होता है, इसे 4 डॉट प्लेस करते हैं हम, या इक्वल भी हम लिख सकते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल, सारा हैज 5 रुपीज एंड आई हैव 10 रुपीज. सो रेशियो विल बी 5:10. अगर मेरे पास, मेरी फ्रेंड के पास 5 रुपीज हो और मेरे पास 10 हो, तो हम इसे ऐसे रेशियो में लिख सकते हैं, 5:10. इसका मतलब ये है कि इनकी रेशियो 1:2 आ गई. मतलब कि मेरी फ्रेंड के पास हाफ रुपीज है, मेरे पास डबल है. सिमिलरली, अगर एक और कोई लड़की है जिसका, फॉर एग्जाम्पल आयशा ले लें, उसके पास 15 रुपीज है और सना के पास 30 है. सो द रेशियो विल बी ₹15:₹30. सो इनकी रेशियो भी क्या आ जाएगी? 1:2. अगर हम इन दोनों रेशियोज को, एक रेशियो मेरी और सारा की और आयशा और सना की रेशियोज को आपस में कंपेयर करें, सो दिस इज कॉल्ड प्रोपोर्शन. देखें, इफ वी कंपेयर दीज टू रेशियो, सो यू कैन से दैट दीज टू रेशियो आर सेम. 5:10 इज इक्वल्स टू ₹15:30. अब इन दोनों, ये देखें, दोनों की रेशियो सेम है. हालांकि प्राइजेस में फर्क है, 5, 10, 15, यहाँ 30, लेकिन दोनों की रेशियो सेम है. हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, सो दोनों रेशियोज प्रोपोर्शनेट हैं, दोनों इक्वल हैं. सो दिस इज कॉल्ड द प्रोपोर्शन. दो रेशियोज को जब हम आपस में कंपेयर करते हैं, या दो रेशियोज आपस में इक्विवेलेंस को शो करना होता है हमने कि दोनों रेशियोज इक्विवेलेंस हैं, इक्वल हैं, सो दिस इज कॉल्ड प्रोपोर्शन. ओके, नाउ मूव ऑन. व्हाट इज वेरिएशन? वेरिएशन मींस अ स्मॉल और अ स्लाइट चेंज इन एनी क्वांटिटी. देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएशन, डायरेक्ट वेरिएशन एंड इनवर्स वेरिएशन. सो दिस इज द साइन ऑफ वेरिएशन एंड वी कैन रीड इट एज वेरीज एज. दिस इज द साइन एंड इट विल बी रीड एज वेरीज एज. सो फर्स्ट, व्हाट इज डायरेक्ट वेरिएशन? If we have two quantities and first quantity, when the first quantity increases,
द अदर इज ऑल्सो इंक्रीजेज एंड इफ द फर्स्ट डिक्रीजेज द अदर इज ऑल्सो डिक्रीजेज. सो दिस इज कॉल्ड द डायरेक्ट वेरिएशन. अगर हमारे पास दो क्वान्टिटीज हैं और वो दोनों अगर एक इंक्रीज करती है तो दूसरी भी इंक्रीज हो जाती है, और अगर एक डिक्रीज करती है तो दूसरी भी डिक्रीज हो, तो हम कहते हैं कि उन दोनों के दरमियान जो वेरिएशन है वो डायरेक्ट वेरिएशन है. मतलब एक के इंक्रीज होने से दूसरी भी इंक्रीज हो रही है और एक के डिक्रीज होने से दूसरी क्वांटिटी भी डिक्रीज हो रही है. सो दिस इज कॉल्ड द डायरेक्ट वेरिएशन. इफ टू क्वांटिटीज आर रिलेटेड इन सच अ वे दैट इफ वन क्वांटिटी इंक्रीजेज द अदर क्वांटिटीज ऑल्सो इंक्रीजेज, दिस इज कॉल्ड द डायरेक्ट प्रोपोर्शन और डायरेक्ट वेरिएशन. अब हम इसे शो कैसे करते हैं? वी कैन शो इट एज एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू वाई. ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन दोनों क्वांटिटीज के सेंटर में प्लेस करते हैं. अब अगर हमने इस साइन को इक्वल के साइन से रिप्लेस करते हैं तो हमारा इसके साथ कांस्टेंट, दिस इज के इज अ कांस्टेंट, के हमारा यहाँ पे एज अ कांस्टेंट यूज. जब हमने डायरेक्ट प्रोपोर्शन के साइन को हमने इक्वल से चेंज किया तो यहाँ पे हमारा कांस्टेंट आता है. डायरेक्ट वेरिएशन की एग्जांपल ऐसे हम ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है डिस्टेंस है और टाइम है. अगर हम हमारी कार एक मूव हो रही है, उसका 10 मिनट्स में वो 1 किलोमीटर डिस्टेंस तय करती है, डिस्टेंस कवर करती है 10 मिनट्स में 1 किलोमीटर. सो अगर हम 20 मिनट्स में उसको देखें तो उस सेम स्पीड से वो 2 किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो कवर कर सकती है. सो जैसे जैसे टाइम हमारा इंक्रीज होता जाएगा हमारा डिस्टेंस भी इंक्रीज होगा. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन कि एक की इंक्रीज होने से दूसरी क्वांटिटी भी हमारी उसी रिलेशन से उसी कॉन्टिन्यूसली हमारी इंक्रीज हो रही है. सो दिस इज कॉल्ड द डायरेक्ट वेरिएशन. जब एक क्वांटिटी इंक्रीज हो तो दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज हो, दिस इज कॉल्ड द डायरेक्ट वेरिएशन. और दूसरी अगर एक क्वांटिटी हमारी डिक्रीज हो तो दूसरी भी डिक्रीज हो, दिस इज कॉल्ड द डायरेक्ट वेरिएशन. ओके, नाउ मूव ऑन इनवर्स प्रोपोर्शन. इफ इनवर्स प्रोपोर्शन एज इट्स नेम शोज, इफ वन क्वांटिटी इंक्रीजेज द अदर डिक्रीजेज और द फर्स्ट क्वांटिटी डिक्रीजेज द अदर इंक्रीजेज. अगर एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी कम हो जाए, या अगर पहली जो है वो कम हो रही है तो दूसरी बढ़ जाए, दिस इज कॉल्ड द इनवर्स वेरिएशन और इनवर्स प्रोपोर्शन. फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज वी हैव टू क्वांटिटीज एक्स एंड वाई एंड दे आर इन इनवर्स रिलेशन, इनवर्स प्रोपोर्शन. सो इट विल बी रिटन एज एक्स वेरीज वन ओवर वाई. एक्स जो है उसका रिलेशन है, एक्स इनवर्स प्रोपोर्शन है, वाई जो है वो इनवर्स प्रोपोर्शन है एक्स के. सो अब हम इसे अगर हम इसका साइन को इक्वल से यहाँ से चेंज करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे के कॉन्स्टेंट आएगा, के ओवर वाई. सो दिस इज कॉल्ड द इनवर्स प्रोपोर्शन. इनवर्स प्रोपोर्शन की इनवर्स वेरिएशन की एग्जाम्पल हम ऐसे ले सकते हैं, इफ आई हैव 20 कैंडीज और एंड आई हैव टू डिस्ट्रीब्यूट 20 कैंडीज इन 5 चिल्ड्रन. तो मैं अगर मैंने 5 बच्चों में 20 कैंडीज डिस्ट्रीब्यूट करनी है तो हर एक को 4-4 कैंडीज में डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हूँ. उसी तरह अगर मेरे पास नंबर ऑफ चिल्ड्रंस इंक्रीज हो जाए, अगर मैंने 10 मेरे पास बच्चे हैं वो 10, तो मैं उन्हें हर बच्चे को 2-2 कैंडीज दे सकती हूँ. पहले मेरे पास 5 जो है ना वो चिल्ड्रन से, तो मैंने हर एक को 4-4 दे दी. अब क्योंकि मेरे पास नंबर ऑफ चिल्ड्रन इंक्रीज हो गए, सो मैं मेरे पास जो कैंडीज होंगी वो मैं कम 2-2 कैंडीज सब में डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हूँ. मतलब एक क्वांटिटी के इंक्रीज होने से दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है. नंबर ऑफ चिल्ड्रन जब हमारे पास बढ़े तो हमारे पास नंबर ऑफ कैंडीज कम, हम उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर सकेंगे. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इनवर्स रिलेशन के एक क्वांटिटी के इंक्रीज होने से दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज होती है, दिस इज कॉल्ड द इनवर्स वेरिएशन और इनवर्स प्रोपोर्शन. सो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर. थैंक यू.